तो चलो प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्क डन बाय एजेंट टू इंक्रीज द एंगल, ठीक है ना। डाइपोल को जब कभी भी हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उस यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से डाइपोल अपने आप रोटेट करेगा, क्योंकि उसमें एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा अगर एंगल थीटा 0 नहीं है तो, या 180 नहीं है तो, ऐसा हम देख चुके हैं। तो चलो अभी अगर डाइपोल को ऐसे रखे हो तो ये डाइपोल ऐसे रोटेट तो अपने आप करेगा भाई, इस डायरेक्शन में तो अपने आप रोटेट करेगा, और फिर यूं आएगा और फिर यूं जाएगा और ऐसे करता रहेगा, ऐसा हम पिछली आर्टिकल में देख चुके हैं। तो ये कौन करा रहा है? तो ये करा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे टॉर्क क्रिएट कर रहा है, और उस टॉर्क की वजह से ये रोटेट कर रहा है। आज हम करने वाले हैं इसमें, अगर ये डाइपोल फील्ड फील्ड तो इधर है, ये तो इधर तो अपने आप जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको फील्ड के अगेंस्ट ऐसे कुछ घुमाता हूँ थीटा डिग्री, चलो मान लो ये एंगल थीटा वन है और मैंने इसको यहाँ से फील्ड की डायरेक्शन से थीटा 2 डिग्री रोटेट करा दिया, ठीक है। तो हमारे द्वारा जो भाई ये अपने आप ऐसे तो जाएगा नहीं यार, अपने आप ऐसे रोटेट तो करेगा नहीं, ठीक है, अपने आप तो ऐसे रोटेट करेगा। तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, उस एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो हमें कैलकुलेट करना है आज के लेक्चर में। बात समझ में आई? तो वो जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा, वो वर्क करेगा, वो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा यार, ठीक है। और उसकी जो वेस्ट हुई एनर्जी है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगी, हम उसको भी बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो ये एंगल मान लेते हैं इनिशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये वाली इनिशियल एंगल है, दिस एंगल इज थीटा वन, ठीक है ना। और ये जो है एक्सटर्नल एजेंट ने इसको थीटा वन से थीटा टू इसके रोटेशन की इच्छा के अगेंस्ट रोटेट करा दिया, दिस इज द रोटेशन अगेंस्ट दिस, ऐसे इसने रोटेट करा। तो ये इंड इधर आ जाएगा, माइनस क्यू इधर आ जाएगा, ये प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया इसको निकालने के लिए वर्क डन हम सिंस, देखो दिक्कत क्या है यहाँ पर, दिक्कत ये है कि अगर अगर थीटा वन से थीटा टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो जब मैं वर्क डन निकालूंगा तो थीटा यहाँ से अलग अलग एंगल वेरी कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, स्मॉल एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनिशियली यहाँ पे था, ये डाइपोल यहाँ सा था प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, फिर बाद में इस डाइपोल को हमने यूं कर दिया, बाद में हमने इस डाइपोल को समझना, इसको हमने यूं कर दिया ये। तो जब बाद में हमने इस डाइपोल को प्लस क्यू को यहाँ कर दिया और माइनस क्यू को यहाँ कर दिया, तो मैं यहाँ से एक स्मॉल स्मॉल एंगल लेता हूँ कि स्मॉल वर्क डन कितना हुआ, फिर मैं प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर लूँगा। चलो मान लेते हैं इसको स्मॉल रोटेशन में, ये जो रेड वाला लाइन है बना रहा हूँ, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो ये एंगल तो थीटा वन तो पहले था ही, ठीक है। तो ये एंगल बहुत छोटा एंगल डी थीटा रोटेट कराया, ठीक है ना, डी थीटा रोटेट कराया, ये यहाँ से बहुत छोटा एंगल डी थीटा, और फाइनली ये वाला जो एंगल है वो थीटा टू रोटेट कराया है। तो इनिशियल ये वाली जो लाइन है, ये लाइन अभी हमारी थीटा 0 वाली लाइन है, तो ये वाली जो ये एंगल डी थीटा है, तो स्मॉल रोटेशन में कितना वर्क डन होगा, तो डी डब्ल्यू वर्क डन होगा ये रेड वाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर स्मॉल रोटेशन, स्मॉल एंगल जो रोटेशन में वर्क डन होगा उसको मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट करूँगा। स्मॉल रोटेशन में वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ठीक है। और आई होप कि आपको सबको टॉर्क का फार्मूला पहले से रटा होगा, याद होगा। तो ये जो वर्क डन है स्मॉल वन, टाउ इज इक्वल टू कितना भाई, पीई साइन थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से प्रॉप टू हमें तो चाहिए टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन जो है ऐसे छोटे छोटे वर्क डन को मैं जोड़ दूँ, मतलब मैं प्रॉपर कंटिन्यूस जोड़ना जो है वो इंटीग्रेशन है। कहाँ से कहाँ थीटा की लिमिट जाएगी, थीटा वन से थीटा टू घुमाए हो
तो वर्क डन इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, समझना इसको, थीटा वन से थीटा टू, इसका मतलब ये हुआ। तो पी ई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा थीटा वन से थीटा टू। अब अगर यहाँ देखोगे बच्चों तो माइनस पी ई और यहाँ लिमिट रखोगे तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, और इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो पी ई कॉस थीटा वन से माइनस कॉस थीटा टू। दिस इज बेसिकली द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन किया है उसका वर्क डन यही वाली चीज है, ठीक है ना। तो दिस इज जो रोटेट कराया है वो इतना वर्क डन करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर वो घूमना चाहता था उसके अपोजिट रोटेट करा दिए हो, जबरदस्ती कर दिए हो यूँ बोलो किसी के साथ, तो इतना वर्क डन किया होगा। तो ये जो वर्क डन है, अब अगर आप थोड़ा सा भी 11th का फिजिक्स आप पढ़े हो तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका जो वर्क डन है, समझना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वही उसमें पोटेंशियल, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है अगर आप देखोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है वो माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो ये जो वर्क डन है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। देखो ग्रेविटेशन में आप पढ़े थे, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को मैं एच हाइट तक ले गया, तो मेरे द्वारा जो किया गया वर्क है, मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है तो इसको एच हाइट तक ले जाने में जो एक्सटर्नल एजेंट है वो जो वर्क करेगा, मिनिमम इसके वेट के बराबर तो करेगा ही, एम जी एच तो करेगा, यही एम जी एच ही तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर थी, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ देख रहे हो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, जबकि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, निगेटिव है, माइनस एम जी एन, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एम जी एन। और ये भी याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस एनर्जी है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं जीरो लेता था ग्राउंड पे, याद है ये सब कुछ। तो ये वाली उसी तरह से ये इसका वर्क डन की जो एक्सटर्नल डाइपोल को घुमाया उसका जो वर्क डन है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, तो चलो मैं उसको भी निकालता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन इन डाइपोल इक्वल टू वर्क डन बाय द एजेंट, तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल है वो अगर मैं लिखूँगा तो प्लस टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये तो नो डाउट अगर तुम देखोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट है वर्क डन, अब नो डाउट यही है। बट जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली वो क्या होता है, एक रिफरेंस एनर्जी है। तो कहीं पर जैसे मैं ग्रेविटेशन में ग्राउंड पे जीरो लेता था, उसी तरह से थीटा 90 पर मैं पोटेंशियल एनर्जी, थीटा 190 पे पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो ले लेता हूँ। जब ये डाइपोल यहाँ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी है, जीरो। मैं यहीं से मेजरमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा 190 हुआ लेट, मान लो थीटा 190 हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो मैंने मान लिया, क्योंकि मुझे उस वक्त थीटा 2 की वैल्यू मैं मान लेता हूँ कुछ थीटा हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 था, तो यहाँ से मिलेगा पी ई और कॉस थीटा 1 की वैल्यू 90 और माइनस कॉस थीटा 2 की वैल्यू थीटा, यहाँ तो यह आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। और ये क्या है, जब ये वाली लिमिट आप लगा रहे हो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आया था वो आता पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। जब आपकी वैल्यू थीटा 1 थी उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी थी बोलो, जीरो। जब थीटा 2 हुई तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैं यू से डिनोट कर देता हूँ, तो ये यू,
और ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू इनिशियल जीरो रखे और यू फाइनल ये यू के बराबर है, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखोगे, उसको वेक्टर नोटेशन में अगर तुम इसको लिखोगे तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे वो माइनस पी डॉट ई। ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आया है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ही इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है और ये वाली चीज़। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये बातें बेहतर तरीके से, ठीक है। और अगर तुम देखोगे इसमें, तो इसमें बहुत केसेज हैं। अगर केस फर्स्ट देखोगे तो इफ़ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो, थीटा ज़ीरो कब होगा, जब डाइपोल डाइपोल मोमेंट दो वेक्टर है ना, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर मैं माइनस को ऐसे रखूं और प्लस को ऐसे रखूं, तो डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इधर आएगा और इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर पहले से है, तो थीटा आ गया ज़ीरो। अगर थीटा ज़ीरो आ गया तो उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस पी ई कॉस ज़ीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है और उसकी वैल्यू होती है माइनस पी ई, ठीक है। दूसरा केस ये पॉसिबल है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू कुछ और लूँ तो क्या होगा, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू देखो, इफ़ केस टू अगर लेते हो, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री कब होगा, जब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट डाइपोल ऐसे रहेगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा और प्लस वाला इधर आ जाएगा प्लस के, तो डाइपोल मोमेंट अपनी डायरेक्शन बदल चुका होगा इस वजह से, तो थीटा आ जाएगा 180 डिग्री। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आप देखोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी वो आ जाएगा माइनस पी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू जो है प्लस, तो इस टाइम इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उसकी वैल्यू सच में बताऊं तो मैक्सिमम है ये वाला, तो ये वाली जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो इस तरह से अब बेहतर तरीके से मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया हूँ। और एक लास्ट इसमें है कि ग्राफ अब बना लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा ना वो पूरा पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर, अभी तक क्या था आपका आधा अधूरा कंटेंट है यूट्यूब पर, तो इस आधे अधूरे कंटेंट को मैं पूरा करना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये मेरी अपनी इच्छा है। बाकी कोई मतलब बच्चों को क्या है कि आधा अधूरा पढ़ा के लोग छोड़ देते हैं यार, ठीक है। तो चलो, तो अगर तुम देखोगे यहाँ से तो ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ के लिए देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से तुम देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है वो माइनस पी ई कॉस थीटा है, ठीक है। तो कॉस थीटा का निगेटिव ग्राफ है यहाँ पे, तो जब थीटा की वैल्यू अलग अलग इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, उसी हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब तुम देखोगे जो थीटा की वैल्यू जब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी अगर देखोगे तो मिनिमम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है इधर मैं पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ किया हूँ, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो थीटा है वो उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या है, वो मिनिमम है यार, और उसकी वे जो वैल्यू है वो कितना भाई, माइनस पी, ठीक है, मतलब पैरेलल है। धीरे धीरे थीटा की वैल्यू बढ़ा है, तो थीटा की वैल्यू बढ़ा है, तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है वो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू 90 डिग्री है। तो थीटा 90 पर अगर तुम देखोगे तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल डाइपोल के पास है ही नहीं, जीरो है, जो कि रेफरेंस हम लोग लिए थे। और आगे बढ़ोगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर देखोगे तो थीटा की वैल्यू इस पॉइंट पर थीटा कितना भाई, इस पॉइंट पर थीटा 180 डिग्री है। 180 डिग्री पर अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो 180 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और अगर ये मैक्सिमम है तो इसकी वैल्यू प्लस पी ई के इक्वल है ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये 0, 90 और ये यहाँ तुम देखोगे
180। फिर यहाँ पर तुम देखोगे ये जो है अगेन ये एंगल, अगेन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, क्योंकि एंगल यहाँ पर थीटा की वैल्यू 2π/3 हो गया होगा, या थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री हो गया होगा। फिर ये जो स्पेशल पॉइंट है, इस स्पेशल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 2π हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो हुई होगी वो -PE हो गई होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, मज़ा आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल के साथ प्यारे बच्चों ऐसे बने रहो बेहतर कंटेंट के लिए, और अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।